मेरा नाम साहिल आनंद है। जी ये जो लव डे हमारी मूवी है ये दोस्ती के ऊपर है। तीन दोस्तों की कहानी है और एक दोस्त हैं ऐसे ऐसे दोस्त हैं, ऐसी कहानी है। आप समझ सकते हैं कि जो आजकल दोस्ती सिर्फ बोलने के लिए रह गई है या आजकल जो मैं देखता हूँ आसपास मायने नहीं रहे हैं दोस्ती के, तो वो कुछ दिखाना चाहते हैं कि वो आज भी वो एग्जिस्ट करती है अगर आप चाहें तो। आजकल यही हो गया कि दोस्ती सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड हो गई है, या अगर आपके पास BMW है या बड़ी सी कार है तो आप समझ सकते हैं ऐसी दोस्ती की कहानी है। आप बहुत ही मज़ा करेंगे, बहुत ही फन होगा आपको। और देखो दोस्ती का नाम है आपको Yes, we are good friend. Good friend. No, I'm here. Oh, okay. We are good friends. We are good friends. Okay. तो आप देख सकते हैं अभी कितनी मस्ती हो रही है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि मूवी में आपको कितना कुछ कितनी मस्ती देखने को मिलेगी। अच्छा साहिल, धोखा जी हाँ जी, बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी। सुनने में तो बहुत कुछ आता था एजाज के बारे में, जब हम शूट कर रहे थे तो हमें बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ही इज़ रियली नाइस ऑन दिस सेट एंड बहुत ही अच्छा काम करा है उन्होंने। और फील नहीं होने दिया कि कुछ भी, मतलब कि ऐसे कि एक होता है कि वो बड़े हैं हमसे, तो ऐसा कुछ फील नहीं होना, ऐसे लगा कि तीन दोस्त हैं, बचपन की दोस्ती है। और ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन आई वुड से। तीन लड़कों के बीच में ऑलरेडी साहिल मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड, मतलब हम लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, तो हम लोगों ने बहुत ही मज़ा किया। और सेट पे ओ माय गॉड, एक दूसरी फिल्म चल रही थी और एक हम तीसरी फिल्म बना रहे थे, जो साहिल और हमें पता है कि हम कौन सी फिल्म बना रहे थे, राइट? बहुत मस्ती करी, इट्स लाइक अमेजिंग। एंड और साहिल के साथ काम करना तो ओ माय गॉड, कहते ना एक ड्रीम था मेरा कि इसके साथ एक बार तो मैं काम करूंगी। ओह माय गॉड, और सीरियसली वो दिन आ गया और मैं इसके साथ काम कर रही थी, सो आई एम सो हैप्पी। नहीं नहीं, अभी ऐसे बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत एंजॉय करा हमने देहरादून शिमला, बहुत मज़ा आया इस मूवी को शूट करते हुए। डायरेक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, प्रोड्यूसर भी हमारे बहुत अच्छे थे, तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, जैसे डायरेक्टर्स ने पूरी हमें फ्रीडम दिया कि हम कुछ भी अगर अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, सो ही गेव अस फुल फ्रीडम एंड बहुत मस्ती मारी है। हमने अपने इनपुट्स भी दिए, हमने अपने जोक्स भी कुछ ना कुछ लाइन्स डाली हैं, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और जैसे कि मरीना बताए, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और जैसे कि ये एक और बैठ गया शख्स, ये इतना अच्छा फ्रेंड नहीं है मगर ठीक है, इसको मान लेता हूँ फ्रेंड है। ये मेरा कर्जा कब वापस कर रहा है? ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। और फिल्म में हैरी मेरा किरदार इन सब में सबसे ज्यादा दिमाग वाले का किरदार है। सो एजाज का कैरेक्टर काफी क्रेजी है और ये किसी की भी बात मान लेते हैं, तो मैं इनको फिल्म में रोकता हूँ कि किसी की भी बात ना मानो। और आई एम द वन हु, वो दोस्त है जो थोड़ा सा पैनिक करता है इन दोस्तों के साथ इनके सारे क्रेजी प्लान्स के लिए, इट्स दैट। सर अभी तक कितनी फिल्में दे चुके हैं? मैंने एक फिल्म की थी रेड चिलीज के लिए ऑलवेज कभी कभी, और उसके बाद फिर मैंने फिल्म सुनी की है, मैंने फ्रेंच फिल्म की है, बट दैट्स इट, सो दिस विल बी द नेक्स्ट। ये बॉलीवुड वाले नहीं है, हॉलीवुड वाले। काफ़ी, क्योंकि ये किरदार थोड़ा मेरे चरित्र से क्लोज है, सो ज़्यादा फनी था। ऑल्सो आई थिंक ऐसे दोस्त हों जब सेट पे तो काफ़ी मजाक मस्ती करने को मिलती है, और स्क्रिप्ट भी ऐसी थी, सो इट वॉज़ गुड। हाँ, विचित्र तो हैं। आई थिंक इस फिल्म में एक तो 17 साल की दोस्ती है, मतलब टीनेज से स्टार्ट होके कॉलेज में, कॉलेज से आगे एवरीथिंग, सो इनकी स्टोरी नॉर्मल स्टोरी नहीं है, तो विचित्र तो है। एजाज के साथ मेरी केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है, बट अब पता नहीं कि वो लड़कियों की ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री रहती है, लड़कियों के साथ ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री है। दर्शकों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मस्ती करना चाहते हैं, बिल्कुल बिंदास होना चाहते हैं और कॉमेडी देखना चाहते हैं, तीन दोस्त
दोस्ती के ऊपर एक कहानी देखना चाहते हैं और मैं पक्का से ये कह सकता हूँ कि आप अपनी आप ये मूवी देखकर अपने दोस्तों को याद करेंगे और ज़रूर अपनी दोस्ती पर जो आजकल एग्जिस्ट हो रही है उस पर ध्यान देंगे ज़्यादातर. यस, मतलब साहिल जो कह रहे हैं उस पर पूरा ध्यान. और मेरी ना कुछ कहना चाहेगी कि क्या कहना चाहेंगे अब लव डे देखकर क्या लगेगा लव डे. आप देख चुकी हैं